नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। हम जानते हैं कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि भारत में जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा हमारे छात्र हैं, जो पढ़ाई करते हैं छात्र हैं। कृषि से जुड़े हुए मुद्दों पर भी, कृषि से जुड़े हुए पेशे से संबंधित लोग भी आत्महत्या करते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा इनकी संख्या है। आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हम इसमें साथ ही साथ एक पक्ष को और जोड़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आत्महत्या तो व्यक्ति खुद करता है, लेकिन उसके उकसावे के लिए उसके लिए क्या प्रावधान है, हमारी IPC की धारा क्या कहती है, और जो IPC का रूप अभी भारतीय न्याय संहिता ले चुकी है वह क्या कह रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम अपने इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। अगर वीडियो सेशन के प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो की तरफ वापस आते हैं और टाइटल को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आत्महत्या के लिए उकसाना, सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए क्या किया कि मतलब किन किन तथ्यों को शामिल किया जाएगा, आइए इसमें बात करते हैं। कि हमारे जो चर्चा के पक्ष होंगे उसमें हम बात करेंगे कि चर्चा खबर क्या है, खबर को विस्तृत रूप से जानेंगे, साथ ही साथ उकसावे की श्रेणियों के बारे में भी बात करेंगे और उकसावे के मापदंड को बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के मानदंडों को स्पष्ट किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध मतलब आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अपराध के मापदंडों को स्पष्ट किया है, जिसमें प्रत्यक्ष और भयावह प्रोत्साहन शामिल, पीड़ित के पास कोई विकल्प नहीं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करते हैं तो न्यायालय ने यह माना है, न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने, कि आत्महत्या का कारण गंभीर भावनात्मक संकट हो सकता है। आत्महत्या का कारण भावनात्मक संकट हो सकता है, वो भी कैसा भावनात्मक संकट, जो गंभीर हो, जो मनोवैज्ञानिक असंतुलन का कारण बन सकता है। अगर हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारा मानसिक असंतुलन हो जाए और अगर कोई इमोशनल बातें हो, भावनात्मक बातें हैं, वह क्या हो सकती है, आत्महत्या के लिए एक गंभीर संकट बन सकती है, या व्यक्ति उस बहकावे में, उस मनोस्थिति में जाकर आत्महत्या कर सकता है। मामले की पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। फैसला एक निजी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी की अपील के बाद आया है। यह मामला फैसला कब आया है, एक निजी कंपनी है उसके वरिष्ठ अधिकारियों की अपील की गई थी, उस अपील के बाद आया है। हम जानते हैं कि एक कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, कर्मचारी की मृत्यु 2006 में हुई कंपनी की मीटिंग के दौरान एक होटल के कमरे में। वर्ष 2006 में एक कंपनी के कर्मचारी एक मीटिंग के दौरान कमरे के होटल में आत्महत्या कर लेता है और उसके आत्महत्या को के पीछे उसके उकसाने वाले अपराध के लिए उस कंपनी के अधिकारियों को सजा दी जाती है और सजा से बहाली के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसी पर यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले कहा है कि IPC जो इंडियन पेनल कोर्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के अधिकारियों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। इसके पहले हमारा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय मतलब प्रयागराज में जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, उसमें इन्होंने अपने रिहाई के लिए आवेदन किया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कानूनी संदर्भ क्या आया कि आत्महत्या के लिए उकसाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत अपराध बना हुआ है तथा दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा है। अब उकसाने की श्रेणियों के बारे में बात करते हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उकसावे की श्रेणियों के बारे में बात करते हैं तो हमारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ने आत्महत्या के लिए उकसाने की दो श्रेणियों की पहचान की है। आत्महत्या के लिए उकसाने की दो श्रेणियों की पहचान हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है। पहली पहचान है भावनात्मक या शारीरिक संबंध। अगर किसी के साथ हमारा भावनात्मक संबंध है, शारीरिक संबंध है, तो वो भी आत्महत्या को उकसाने की श्रेणी में के अंतर्गत आएगा। ऐसे व्यक्ति का संबंध जहां भावनात्मक आदान प्रदान मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बन सकते हैं। हम भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और वो मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बनता है और उस भयानक मनोवैज्ञानिक स्थिति में आकर
व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वह उकसावे की श्रेणी में आएगा। यह हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी एक आर्डर आया है उसमें यह इस श्रेणी को बताया गया। क्षमता की अगर बात करते हैं तो ऐसे व्यवसायिक संबंधों को शामिल करना जहां कानूनी दायित्व और अपेक्षाएं मौजूद हो, ऐसे व्यवसायिक संबंधों को स्थापित करना जहां पर आपके पास कानूनी क्षमताएं और अपेक्षाएं और कानूनी दायित्व शामिल हो, ये भी उसमें शामिल किया गया है। रिश्तों के बीच के अंतर, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भावनात्मक संबंध व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। जो लोगों के इमोशनल रिलेशन होते हैं वो व्यक्ति के इच्छाओं पर, व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित होते हैं, जबकि आधिकारिक रिश्ते कानूनी दायित्व और नियमों द्वारा शासित होते हैं। कोर्ट ने यह माना है, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह माना है कि भावनात्मक जो संबंध होते हैं वो व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, जबकि आधिकारिक रिश्ते कानूनी दायित्व और नियमों द्वारा शासित होते हैं। उकसावे के मापदंड की अगर बात की जाए तो आत्महत्या के लिए उकसाने के मापदंड, न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों का आकलन करने के लिए उदाहरणात्मक मापदंड स्थापित किए हैं। उदाहरणात्मक मापदंड स्थापित किए गए हैं, उसमें एक असहनीय उत्पीड़न की बात आती है। असहनीय उत्पीड़न से क्या अभिप्राय है कि अभियुक्त ने गंभीर संकट की स्थिति पैदा कर दी थी जिससे मृतक ने आत्महत्या को एकमात्र विकल्प समझा। जो अभियुक्त जेल में है उसने क्या किया, ऐसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी कि जो व्यक्ति है उसने अपने जीवन में आत्महत्या को ही एक विकल्प के रूप में, बेहतर विकल्प के लिए चुना। अगली बात, कमजोरी का फायदा उठाना। इसका मतलब क्या है, क्या अभियुक्त ने मृतक की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया है। अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर है तो उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर, उसको उकसाकर और उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, और आत्महत्या के रूप में वह व्यक्ति अपना विकल्प तलाशता है और जीवन को अलविदा कह देता है, जिससे उसे बेकार या अयोग्य होना महसूस हुआ। कि इस प्रकार का उस पर आरोप लगा दिया जाए, ऐसी बातें कह दी जाए कि वह अपने आप को समझे कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगले मापदंड के रूप में हम बात करते हैं असहनीय उत्पीड़न, मतलब अभियुक्त, क्या अभियुक्त ने गंभीर संकट की स्थिति पैदा कर दी थी जिससे मृतक ने आत्महत्या को एकमात्र विकल्प माना। अभियुक्त मतलब जैसे ए व्यक्ति है, इसने सुसाइड कर लिया, और यह बी व्यक्ति है, यह अभियुक्त है, यह क्या किया था, इसने इसके लिए ऐसी स्थिति, ऐसी गंभीर संकट की स्थिति प्राप्त कर दी थी, पैदा कर दी थी कि मृतक ने आत्महत्या को एकमात्र विकल्प के रूप में समझा। अगला, कमजोरी का फायदा उठाना, क्या अभियुक्त ने मृतक की भावनात्मक, जैसे ए व्यक्ति है ये सुसाइड कर लिया है, मर गया है, इसका जो इमोशनल बातें हैं, इमोशनल कमजोरी मतलब भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया जिससे उसे बेकार या अयोग्य महसूस होना पड़ा। धमकी भी एक आत्महत्या का कारण बनती है। यह हम नहीं, यह उकसावे के मापदंड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैटेगराइज किया गया है। तो क्या अभियुक्त ने मृतक या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने या आर्थिक बर्बादी की धमकी दी। आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे कि धमकी के डर से इसने आत्महत्या कर दी, इस कारण उसने आत्महत्या कर दी। अभी बलिया में एक केस हुआ था नंदलाल गुप्ता का, जिन्होंने फेसबुक लाइव आकर और बताया था कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे घर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरह की, और मैं इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूं, तो ये भी उसी श्रेणी में आएगा। इसके तहत 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान होता है। झूठे आरोप की अगर बात की जाए तो क्या झूठे आरोपों से मृतक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, सार्वजनिक अपमान हुआ और गरिमा की हानि हुई। अगर किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं जिससे उस व्यक्ति की, मृतक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, अपमान हुआ है और उसकी गरिमा की हानि हुई है, तो भी व्यक्ति क्या होता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। हमने आज इस पूरे प्रकरण में यह जाना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दो अधिकारी थे जिन्होंने अपनी जमानत याचिका के लिए अनुरोध किया था, उसको खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको तीन, जो हमारी धारा है उसके तहत, आईपीसी की धारा है उसके तहत उनको मृत्युदंड, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनको आरोपित बनाया गया था। ये हमने पूरा मामला जाना। मामला यह था कि एक कर्मचारी था, निजी कंपनी में काम करता था, और वह जाता है मीटिंग में, जाता है और मीटिंग में जहां वह लोग ठहरे होते हैं वहां एक होटल के कमरे में वो आत्महत्या कर लेता है, और उसका कारण यही बताया जाता है कि अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक दबाव की बात बताई जा रही है। इसी आरोप में उन अधिकारियों को
सजा दी गई है, उस सजा से छुटकारे के लिए उन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपनी याचिका दायर की थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया है और उकसावे की जो श्रेणी है उसको बताया गया है और उकसावे के मापदंड को इसमें बताया गया है। ये रहा आज का पूरा हमारा वीडियो सेशन। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।